पत्नी की हत्या का आरोप लगाते हुए मृतका के पति ने परिजनों के साथ एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। एसएसपी के पास प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे पति ने न्याय के लिए गुहार लगाई है। पति का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ दुष्कर्म कर उसकी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस ने तहरीर लेने के बाद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। 13 तारीख को मृतका अपने बच्चों के साथ गांव के ही रहने वाले व्यक्ति जो मुरादाबाद में रहता है उसके घर जाने की बात कहकर घर से आई थी, जहां से फोन आया कि उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। सूचना के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे तो भर्ती करने वाले महिला को अस्पताल में छोड़कर भाग गए। जब महिला की मौत हो चुकी थी, मृतका के पति ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए 18 अगस्त को सिविल लाइन थाने में नाम दर्ज तहरीर दी थी। मृतका के देवर ने बताया कि अच्छा बताइए क्या हुआ था, क्या परेशानी है तुम्हारी, आज क्यों आए हैं? भाभी की तहरीर देने के लिए आए हैं, जिसमें हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या हुआ था? उसमें मर्डर केस हुआ है। हुआ क्या, पूरा प्रकरण क्या है बताइए? पूरा प्रकरण ये है कि 13 तारीख के लिए वो 1 बजे निकली थी घर से, ठीक है। मरने के बाद उन्होंने फ़ोन किया है हमारे घर पर, तो ये बताया था कि तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। घर पर फ़ोन पहुँचने के बाद ये कहते हैं कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो हम आनंद फानंद में लोग मुरादाबाद आए थे। बाद में सौरभ त्यागी ने फ़ोन किया है हमारे थाने सिविल लाइन थाने से, उन्होंने बताया कि आपकी जो प्रेमलता नाम की पत्नी है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब जब हमने देखा आके तो वो मृतक घोषित मिली है हॉस्पिटल में। तो क्या हुआ उसमें, क्या उसमें अच्छा? उसके बाद हमने तहरीर दी है थाने में, उसमें आज तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं? हम उसे नहीं चाहते हैं कि 302 के तहत मुकदमा लगाया जाए और उसे फांसी सजा दिलवाई जाए। किसके खिलाफ में आपने? नीशू के नाम। कौन है ये? ये नीशू हमारे आमने सामने घर में रहने वाला है, आमने बिल्कुल आमने सामने रहता है, ठीक है। और उसी के कमरे से लाश मिली है, और जब हम उसे देखने गए थे रूम पर तो उसके कमरा जाके देखा तो उस पर कमरे पे ही हमें उसके सबूत मिले थे, ठीक है। उसमें हमारा जो हमारी पत्नी भाभी जी थी उनका आधार कार्ड मिला था वहाँ से, ठीक है। उनके कपड़े और उनके कपड़े भी थे, और उनका जैसे उन्होंने बताया था कि हम बच्चों से कह के आई थी कि मुरादाबाद तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो रुक गए हैं नीशू के कमरे पर। नीशू ने फ़ोन किया है घर पर, ठीक है। नीशू ने फ़ोन किया घर पर कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, और वहाँ से वो भाग गया था अस्पताल में भर्ती करने के बाद कॉस्मोस हॉस्पिटल में। कॉस्मोस में कैद है, ठीक है, और सीसीटीवी कैमरे में वो कैद है उसकी। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि अपने तहत ये लिखाना चाह रही है कि हम जैसे चाहें वैसे, मगर हम ये नहीं कहना चाहते कि जैसा लिखना हमारी तरफ से लिखा जाएगा। कि हमारा इंसान मरा है तो हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से लिखा जाए। हम मुलजिम दे रहे हैं उनसे, नीशू नाम का लड़का को मुलजिम दे रहे हैं पकड़ने के लिए, तो उसे पकड़ने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं करती? खुद बता रहे हैं मिले अभी आप? हाँ जी, कप्तान से मिले? हाँ, कप्तान से मिले हैं, तो अभी तो हमारे लिए आप वो एक्शन लें तो उसके बाद पता चलेगा। मगर हमने सौरभ त्यागी से और गजेंद्र सिंह तिवारी, ठीक है, हम आए थे तो उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हारे कोई एक्शन उनके हमारी तरफ से लिखाओ, तो हम क्यों लिखाएंगे उनकी तरफ से? वो ये कह रहे हैं हमारी जो तहरीर थी ये वाली तहरीर है, इसे चेंज कराना चाह रही थी कि ये तहरीर जो है इसे चेंज कीजिए, मगर हमने कहा ये चेंज नहीं करेंगे, हमें पता है कि हम आपके लिए मुलजिम दे रहे हैं, तो उसे पकड़ो, उसे उससे पूछताछ करो।